इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रोपड़ पंजाब में स्थित है की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है 33 पदों की, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 अलग अलग पोस्ट हैं और टोटल 33 वैकेंसीज हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेस के ऊपर है। पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर CPC 7th पे स्केल मिलेगा, तो जल्दी से इसके बारे में अपनी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ की तरफ से रिक्वायरमेंट मांगी है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर जो पे लेवल रहेगा वह रहेगा 7th CPC के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर पहली जो पोस्ट है वो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसके अंदर एक ही वैकेंसी है। दूसरा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक वैकेंसी के साथ। थर्ड है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसके अंदर 3 अनरिजर्व्ड है, एक SC की है, एक OBC की है, टोटल 5 पोस्ट है। प्लेसमेंट ऑफिसर की बात करें तो एक ही पोस्ट है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की एक पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर की भी एक पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की एक है। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जनरल के अंदर एक पोस्ट है, SC के अंदर एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है, जिसके अंदर एक पोस्ट जनरल के लिए जो है वह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है, एक पोस्ट SC के लिए वो पब्लिक हेल्थ के लिए है, और OBC की एक पोस्ट है वो सिविल के लिए है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 2 पोस्ट है, दोनों ही जनरल पोस्ट है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक पोस्ट है वो भी जनरल है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 3 पोस्ट जनरल के अंदर है, ST के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। इसी के साथ साथ लास्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, तो इसके अंदर भी टोटल 7 पोस्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो इसके अंदर 15/2/2023 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है वह ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन जो साइट है वह कुछ इस प्रकार से है, साथ ही साथ इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेलेवेंट पोस्ट के साथ रेलेवेंट डिग्री या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ID पर जा सकते हैं, वहां पर मैं पूरी PDF डाल दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए स्टडी शॉप को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।